नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं पंजाबी कमीज। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने ये सब मार्किंग कर रखा है, ठीक है, ये देखिए मैंने पूरा मार्किंग करके रखा हुआ है, कर लिया है। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कैसे रहेगा। देखिए इसका मेजरमेंट है चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 25 इंच, सीट 34 इंच, फुल लेंथ 36 इंच, वेस्ट हाइट 14.5 इंच, शोल्डर है 13 इंच का। तो ये हम आपको शुरू करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे एक सम लाइन मार लेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा हमने मारा है। एक यहाँ पे सम लाइन मार लीजिए, कोई भी काम सम लाइन से ही शुरू करना है हमको। ये सम लाइन मार लिया ये, और इस लाइन को सीधा कर लिया हमने, सीधा कर लिया। तो अब सम लाइन से हमको, इस लाइन से हमको बॉडी का लेंथ ले लेना है, कितना है 36 इंच। 36 इंच है प्लस 1.25 इंच कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। 36 प्लस 1.25 इंच हमने यहाँ पे मार लिया, जो हमने पहले से मार रखा है, ये हो गया। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से, आर्मोल लाइन मार लेंगे दोस्तों। चेस्ट का 8वां भाग आर्मोल लाइन दोस्तों रहेगा, चेस्ट का 8वां भाग प्लस 3 इंच। चेस्ट का 8वां भाग, ये हम जो लाइन मारेंगे चेस्ट का 8वां भाग प्लस 3 इंच, तो 32 का 8वां हो जाएगा 4 इंच, प्लस 3 करेंगे 7 इंच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम एक सम लाइन मार दे रहे हैं, जो हमने मार रखा है सम लाइन। अब ये लाइन वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन के लिए क्या करेंगे, वेस्ट का हाइट है 14.5 इंच, मैं इसको 15 इंच पे, यहाँ से 15 इंच पे हम एक लाइन मार ले रहे हैं, 15 इंच पे ये हमने मार रखा है। ये हो गया वेस्ट लाइन अपना, वेस्ट लाइन, ठीक है। अब सीट लाइन मारेंगे, ये सीट लाइन है। सीट लाइन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हमेशा 7 इंच करीब रहेगा वेस्ट लाइन से, 7 इंच, 7.5 इंच, तो हम 7 इंच पे मार दिए हैं। ये हो गया हमारा वेस्ट लाइन दोस्तों। यहाँ पर भी हम सम लाइन मार दिए, सीधा सीधा लाइन मार दिए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, ये हम यहाँ पे हम शोल्डर मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ शोल्डर का आधा प्लस 1.25 इंच, 13 इंच शोल्डर है, तो ये हो गया 1.75 इंच, शोल्डर का आधा प्लस 1.25 इंच, ठीक है। फिर ये जहाँ पे शोल्डर आया उसको हम सम लाइन मार लेंगे, सम रेखा, मतलब सीधी एक रेखा मार लिया, ठीक है दोस्तों। ये लाइन मारने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गले का मार्किंग करेंगे। अगर नेक का मेजरमेंट आपके पास कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो नेक का हमेशा चेस्ट का 12वां हिस्सा रहेगा, ठीक है, चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस 1.25 इंच, तो इसका करीब करीब 3 इंच आ रहा है, 3 इंच हमने मार दिया है और 1 इंच नेक ड्रॉप ले लिया है, ठीक है दोस्तों। नेक ड्रॉप पीछे आप स्लिट खोल सकते हो ताकि नेक अंदर जाए, तो स्लिट खोलने के लिए। और ये दोस्तों ये नेक ड्रॉप रहेगा चेस्ट का 8वां हिस्सा, मिनिमम चेस्ट का 8वां हिस्सा, और इच्छा अनुसार आपको जो भी रखना है, कम ज़्यादा कैसा रखना है आप वो रख सकते हो, ठीक है, चेस्ट का 8वां, और उसके बाद इच्छा अनुसार है आपको जो भी रखना है, कम या ज़्यादा, ठीक है। और ये चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस 1.25 इंच नेक विड्थ, ठीक है। अभी हमने सम लाइन मार दिया, इसमें मिला दिया था, अब क्या करें, 1 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे ऊपर, यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, आर्मोल का शेप दे देंगे। ये हम फ्रंट का शेप दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये फ्रंट का शेप है,
इसको इस पट्टी की मदद से ये हम फ्रंट का शेप दे दिए। ठीक है दोस्तों, इसी में हम बैग भी बनाए हैं, ये हमारा फ्रंट का लाइन हो गया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट का चौथा प्लस डेढ़ इंच, चेस्ट का चौथा प्लस डेढ़ इंच इसका मेजर करेंगे यहाँ से दोस्तों, यहाँ से यहाँ चेस्ट का चौथा, चेस्ट है 32 इंच, चौथा हो जाएगा 8 इंच, प्लस डेढ़ करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। यहाँ पे हमने 9.5 का मार्किंग कर लिया। ठीक है दोस्तों, 9.5 का मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम एक सम रेखा मार लेंगे, सीधी रेखा, ये देखिए इस तरीके से सीधी रेखा मार लिया। ठीक है, और उसके बाद सीधी रेखा मारने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस सीधी रेखा से, ये सीधी रेखा से हम इसको 1 से 1.25 इंच अंदर लेंगे। यदि आपको डॉट लेना है तो 1.25 इंच अंदर लो, डॉट यहाँ पे नहीं लेना है तो ये आपको 1.25 इंच अंदर लो, ये सम रेखा से 1.25 इंच अंदर, 1.25 इंच अंदर ले लो। ठीक है, इसमें डॉट नहीं है। और उसके बाद सीट पे आ जाइए दोस्तों, सीट कितना है, सीट है इसका 34 इंच, तो 34 का चौथा प्लस डेढ़ इंच। ठीक है दोस्तों, 34 का चौथा प्लस डेढ़ इंच हो जाएगा 10 इंच। यहाँ पे हमने 10 इंच पे एक लाइन मार लिया है। ठीक है, अब ये जितना है 10 इंच आ रहा है, सीट का चौथा प्लस डेढ़ इंच तो 10 इंच आ रहा है। ये फार्मूला दोस्तों हर एक साइज़ के लिए करना है आपको, ऐसा नहीं कि इसी जो मैं बता रहा हूँ इसी में, साइज कौन सा भी हो, बड़ा मेजरमेंट, बड़ा साइज हो, छोटा, सबको यही फार्मूला यूज करना है। वही दोस्तों सेम नीचे 10 इंच यहाँ भी रख लिया हमने, बॉटम पे भी, ये जितना है जितना। यदि किसी को अंदर लेना है अंदर ले सकते हो, बाहर लेना है तो बाहर ले सकते हो, ये ऑप्शनल है, लेकिन बेसिकली कैसा वो सीधा ही होता है। तो दोस्तों ये हमने ले लिया, यहाँ पर आ गया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सेब पट्टी की मदद से हम लाइन मार देंगे जो हमने मार रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक सीधा लाइन मार देंगे, इसको मिला देंगे दोस्तों यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ मार देंगे और इस सेब पट्टी की मदद से हम यहाँ पे मार दे रहे हैं, जो हमने मार रखा है आप देख रहे होंगे, इसको यहाँ मार दिया है, यहाँ मार दिया दोस्तों। उसके बाद 1 इंच स्ट्रम और माया ले लीजिएगा यहाँ से, 1 इंच और एक्स्ट्रा माया है ये। ठीक है दोस्तों, जबकि माया इसके अंदर है फिर भी 1 इंच और एक्स्ट्रा रखते हैं लोग, और रखना ही होता है। ठीक है, और ऑल ओवर 1 इंच हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, और ये हो गया फ्रंट। बैक में क्या करना है, बैक में एक चेंज करना है, खाली बैक का आर्मोल है, आप ये जो सम लाइन मारा हुआ है दोस्तों, सम लाइन आप देख रहे हैं ना, जो हमने शोल्डर सीधा लिया है, सम लाइन लेने के बाद आपको यहीं से घुमा देना है, इस फ्रंट देखिए अंदर आया इस लाइन से, बैक को क्या इसी लाइन से इधर घुमा देना है आपको ऐसे। ठीक है, अच्छा शोल्डर ड्रॉप कितना किया आपको बताया नहीं हमने, शोल्डर ड्रॉप दोस्तों 1 इंच है, 1 इंच। ठीक है, ये है चेस्ट का 8वां प्लस 3 इंच और शोल्डर ड्रॉप 1 इंच। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए इसको, अब आपको हम बताते हैं इसका स्लीव्स। दोस्तों स्लीव्स का भी मार्किंग हमने किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हाफ मतलब फोल्डिंग किया हुआ है, स्लीव्स कितना रखेंगे, देखिए ये इसका विड्थ है चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.5 इंच, चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.5 इंच, चेस्ट का 8वां 4 इंच है प्लस 2.5 इंच, 6.5 इंच है। ठीक है दोस्तों, ये हमने सम लाइन मार लिया है। चेस्ट का 8वां प्लस 2.5 इंच, ये वापस यहाँ पे एक सम लाइन मार दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद लेंथ तो आपको जितना रखना है, फुल 3/4 लेंथ भी आता है, हाफ लेंथ आता है, लेंथ तो हमने यहाँ पे 7 इंच ले रखा है। ठीक है, 7 इंच ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से 1 इंच और यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, और ये कितना रखेंगे, चेस्ट का 8वां भाग माइनस 0.5 इंच, चेस्ट
चेस्ट का आठवां होता है 4 इंच, माइनस करेंगे तो आधा 3.5 इंच हो गया, ये हो गया हमारा 3.5, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये हमारा आ गया 3.5 इंच, चेस्ट का आठवां माइनस आधा, यहाँ से 2 इंच ऊपर उठाएंगे दोस्तों, यहाँ से 2 इंच ऊपर उठा लिया, एक सीधा लाइन मारा और यहाँ 1 इंच। अब यहीं से दोस्तों हमको इसका आर्मोल शेप कर देना है, ठीक है। यहाँ से एक सीधी लाइन हमने मार रखा है ऐसे और इस तरीके से, और फिर यहीं से यहाँ भी मिला रखा है। अब इसको हमको यहीं शेप देना है दोस्तों, देखो इस तरीके से जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरीके से आप इसमें शेप दे दो, और बैक का इस तरीके से, इस तरीके से बैक का शेप दे दो, ठीक है दोस्तों। ओपनिंग हमने रखा है 5.5 इंच, उसको यहाँ से लाइन मार लिया, ये हमने लाइन मार लिया, इधर भी लाइन मार दिया दोस्तों, ये अपना रेडी स्लीव लेंथ है और ये फोल्डिंग के लिए। उसके बाद 1 इंच हमने बैक फ्रंट में बढ़ाया साइड में, इसमें भी हम 1 इंच बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें भी हम 1 इंच बढ़ा दिए हैं। इस तरीके से आपका ये स्लीव हो गया रेडी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चटका मार लीजिएगा, उसमें भी चटका मार जो कि चटका मैच होना चाहिए, ये हो गया स्लीव रेडी दोस्तों। ये देखो ये मेन है, चेस्ट का 8.5 प्लस 2.5 इंच, और ये जो है चेस्ट का 8.5 माइनस 1/2 इंच, और ऊपर यहाँ से सीधी 2 इंच ऊपर उठा लीजिए, और वहीं से आपको ऐसे कर्व घुमाना है, और एक लाइन सीधा मारने के बाद दोस्तों यहाँ से 1/2 इंच लेना है। इस तरीके से स्लीव हमारा रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।